जी हाँ, 2023 के सेमीफाइनल की तैयारी जितनी धुआंधार रही, नतीजे उतने ही चौंकाने वाले और अप्रत्याशित रहे। कांटे की फाइट में जनता के मूड ने ऐसा उलझाया कि सियासी पार्टियों के धुरंधर और चुनावी पंडित माने जाने विश्लेषकों का गणित धरा का धरा रह गया। और अब प्रदेश में चेहरा कौन है, लड़ाई इस पर आ गई है। राज्य में जीत दर्ज करने वाले 5 सांसदों ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। इसमें भी शिवराज बेहद सोच समझ कर चल रहे हैं। यही वजह है कि उनके साथ प्रदेश में ऐसे चेहरों को भरमार है जो सीएम के तौर पर अपनी दावेदारी को मजबूत बनाते हैं। तो किसे मिल सकती है सत्ता की कमान, कौन आगे कौन पीछे, कौन किस पर कितना भारी, या यूपी के तर्ज पर चौंका सकती है पार्टी। जब तक दिल्ली के दिल की बात जुबान पर नहीं आएगी, तब तक तीन राज्यों की कमान किसके हाथ में जाएगी, इस पर सस्पेंस बना रहेगा। 3 दिसंबर को नतीजे आए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा। राज्यों से लेकर केंद्र तक बीजेपी में मंथन चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश को लेकर तो करीब करीब तय माना जा रहा है कि शिवराज सिंह सीएम पद पर बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी के आलाकमान के सूत्रों से खबर बाहर आई। खबर ये कि 3 राज्यों में नए चेहरों पर मुहर लग सकती है। और तो और, सांसदों के इस्तीफे ने संकेत देने शुरू कर दिए कि इनमें से किसी का भी नाम हो सकता है। बीजेपी ने एमपी में 7 सांसदों को मैदान में उतारा, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। वैसे तो मध्य प्रदेश में सीएम के लिए सबसे प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान ही अभी तक हैं, और वो क्यों ये भी आपको बताते हैं। 18 साल से बीजेपी का प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है, 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, सीएम की 4 पारी खेल चुके हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं शिवराज सिंह। शिवराज की लाडली बहना योजना जीत में गेम चेंजर है। माना जा रहा है कि शिवराज सरकार की ड्रीम योजना है। शिवराज का अनुभव और ओबीसी से आना इनकी दावेदारी मजबूत करता है। साइलेंट वोटर महिलाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान की मजबूत पकड़ है। राज्य में मास लीडर वाली छवि वाले नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज संघ की पसंद भी है और उनसे अच्छे रिश्ते भी हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रमाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रमाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। सीएम रेस में शामिल दूसरे बड़े नेता के तौर पर प्रहलाद सिंह पटेल को देखा जा रहा है। जिन 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया, उनमें एक नाम है बीजेपी के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का, जिन्होंने आलाकमान की उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए एमपी विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर से शानदार जीत दर्ज की और सांसदी से इस्तीफा भी दे चुके हैं। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्याग पत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रहलाद पटेल के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या पटेल 3 दशकों के अनुभव का इस्तेमाल एमपी के लिए करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन से पॉइंट्स प्रहलाद पटेल को सीएम की रेस में शामिल चेहरे के तौर पर पेश करती हैं, अब वो देखिए। शिवराज के बाद दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा, लंबा संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव, उसी लोधी समाज से आते हैं जिस समाज से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी रिश्ते मधुर माने जाते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे, जमीन से जुड़े और साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं। पूर्व कृषि मंत्री और अब इस्तीफे के बाद दिमनी से प्रचंड जीत हासिल करने वाले विधायक नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के रेस में चर्चा में। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे, मोदी से नजदीकी उनके लिए वरदान बन सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं तोमर। चौथा नाम जो सीएम की रेस में चर्चा में है, वो है कैलाश विजयवर्गीय का। कौन है, इनका परिचय भी करा देते हैं। पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे, चुनावी मैनेजमेंट से पार्टी को स्थापित किया, अमित शाह के भी खास माने जाते हैं। विजयवर्गीय शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं, मालवा निमाड़ में गहरी पकड़ है। हालांकि विजयवर्गीय बड़बोले नेताओं में शुमार माने जाते हैं, अपने विवादित बयानों से भी कई बार पार्टी को मुश्किल में डाल चुके हैं।
कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी किस्मत खोल सकती है। 2020 में बीजेपी की सत्ता में वापसी के सूत्रधार हैं सिंधिया, इसलिए इनको लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया की धमक है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को 18 सीटें दिलाई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संघ और संगठन दोनों के साथ तालमेल बनाया। शिवराज से भी अच्छे रिश्ते हैं, मोदी और शाह दोनों के भरोसेमंद हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ अगर इस जीत का श्रेय किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। स्थानीय स्तर पर हमारे कार्यकर्तागण और हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने अपनी योजनाओं के आधार पर पूरा बदलाव लाया है, और हमारे बीडी शर्मा जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यूपी फॉर्मूले पर भी काम कर सकती है। चर्चा है कि मध्य प्रदेश में भी एक सीएम और दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तीन अहम पदों के जरिए बीजेपी एमपी में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में विंध्य और मालवा निमाड़ के क्षेत्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में इन इलाकों का बड़ा प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वही होगा जो विधायक दल नेता चुनेगा, और उसके अलावा जो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। मैं एक अनुशासित पार्टी का हिस्सा हूं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की तरह अटकलें नहीं लगाऊंगी। मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड निश्चित समय पर उचित जो है घोषणा कर देगी। अभी तक सीएम के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं वो सब के सब कयासों वाले हैं। केंद्र लगातार इस पर बैठक कर रहा है, फैसला आलाकमान को लेना है। क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, बस अटकलों का बाजार गर्म है।